हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 8 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स ब्रिटिश सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस डिस्कशन में हम 7 और 8 नवंबर दोनों की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। कल कुछ कारणों से डिस्कशन है वो हमारी हो नहीं पाई थी, तो आज हम उन सारी न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ आई है वो आई है बैटल ऑफ पानीपत को लेके। देखो, न्यूज़ या कंटेक्स्ट ये आया था कि बैटल ऑफ पानीपत को जो तीसरा वार हुआ था उसी को लेके अभी एक मूवी का ट्रेलर जारी किया गया था, तो वो न्यूज़ में है। तुम्हें भी यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है, क्योंकि जो मूवी बनाई जा रही है वो एक ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड पर्सन है जिनका नाम है यहाँ पे आशुतोष गोवारिकर, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो काफ़ी वैल्यू हो जाती है इनकी। तो यूपीएससी पूछ सकती है बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। देखो, मेनली बैटल ऑफ पानीपत की है ना दो लड़ाइयाँ फेमस हैं। एक तो है बैटल ऑफ पानीपत का जो फर्स्ट बैटल था जो हुआ था 1526 में, सेकेंड हुआ था वो हुआ था पानीपत में हुई 1556 में। तो एक बार हम दोनों को देख लेते हैं। देखो, जो पहला लड़ाई थी वो लड़ी गई थी मुगल एम्पायर, उस टाइम जो पहले रूलर थे यानी कि बाबर, और उस टाइम पे जो सतलज डायनेस्टी का खत्म हो रहा था, जो लोधी डायनेस्टी थी उनके बीच में, मतलब कि जो मुगलों की शुरुआत हुई थी। तो जो पहला वार हुआ था मुगल डायनेस्टी और जो लोधी डायनेस्टी के बीच में, उसको कहा गया है बैटल ऑफ फर्स्ट, या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और जो दूसरी लड़ाई है पानीपत की वो 1556 में हुई थी अकबर और उसके द्विवेदी हैं इनके बीच में। तो दोनों लड़ाइयां हमें थोड़ा सीक्वेंस पता होना चाहिए और किन के बीच में हुई हैं, ये एक यूपीएससी फैक्ट पूछ सकती है। अब हम ये देखते हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है या पानीपत की तीसरी लड़ाई है, ये कहाँ पे हुई है, कौन कौन इसमें शामिल था। देखो, अब मुगल एम्पायर धीरे धीरे मतलब खत्म होता जा रहा था, तो आपको पता है कि लगभग 1750-60 के समथिंग है मुगल एम्पायर एक तरह से, मतलब आप बोल सकते हो कि काफी डिक्लाइन होता जा रहा था लगातार। और जो लास्ट पावरफुल शासक थे मुगल डायनेस्टी के वो थे औरंगजेब। तो औरंगजेब जो ही मतलब औरंगजेब का देहांत तो हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद में काफ़ी सारे जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि महाराष्ट्र में जो मराठा डायनेस्टी या मराठा जो सल्तनत थी, इन्होंने भी अपने पैर है वो जमाना शुरू कर दिया कि भैया मुगल खत्म हो गए हैं तो हम अपना अधिकार वापस से जमाना शुरू करते हैं। तो जो आसपास के एरिया में और जो मुस्लिम शासक थे, यहाँ बोल रहे कि मुगल शासक थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि मराठा यहाँ पे रूल करेंगे। इसी को लेकर उन्होंने क्या किया कि जो अफगान के उस टाइम पे शासक थे मुगल, जिनका नाम था दुरानी एम्पायर, जो कि दुरानी एम्पायर था, ये लड़ाई हुई थी वैसे 1761 में। तो इंडिया के कुछ दो ऐसे अलायंस थे जिनका नाम था, एक का नाम तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, ये रहा नवाब थे अवध के, वो थे, और एक थे यहाँ पे नवाजुल दौला। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, अफगानिस्तान के जो एम्पायर थे दुरानी एम्पायर, इनको इन्वाइट किया कि भाई आप आके इंडिया में लड़ाई करो ताकि हमारे मुगलों का एम्पायर है वो यहाँ पे सुरक्षित रह सके मराठों के अगेंस्ट। और इस लड़ाई का रिजल्ट क्या रहा था, मराठा है वो बुरी तरीके से हार गए थे। तो ये यूपीएससी आपको फैक्ट पूछ सकते हैं इसके बारे में, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अल्जाइमर डिजीज को लेके। देखो, न्यूज अभी आई है कि चाइना ने अपने आप को क्लेम किया है इस चीज को लेके कि उन्होंने अल्जाइमर डिजीज के लिए मेडिसिन है वो डिस्कवर कर लिया है, और ये मेडिसिन इस साल के एंड तक चाइनीज जो भी पेशेंट है अल्जाइमर से पीड़ित उनको ये दवाई दी जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि अल्जाइमर डिजीज है क्या, वो हम देख लेते हैं, और साथ ही हम अल्जाइमर डिजीज के लिए जो दवाई बनाई गई है उसका नाम भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो चाइना ने जो दवाई बनाई है इसका नाम है GV971, या फिर इसका नाम है ओलिगोमेनेट। ये रहा है, आप देख सकते हो कि ओलिगोमेनेट जो दवाई है वो चाइना ने बनाई है किसके लिए, अल्जाइमर को काउंटर करने के लिए। और ये जो दवाई है हम बाले की, ये ड्रग्स है, ये जो सी वेड यानी कि जो समुद्री शैवाल होते हैं इनको लेके बनाई गई है। अब हम जानते हैं कि अल्जाइमर डिजीज क्या होता है। देखो, अल्जाइमर डिजीज होती है ये मेनली जो एज्ड पर्सन होते हैं यानी 60 या 65 वाले लोग होते हैं, ये एज वाले, उनको ये ज़्यादा प्रभावित करती है, यानी कि लोग जो जो बूढ़े होना शुरू होते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा प्रभावित करती है। और इस बीमारी में होता क्या है, मेमोरी लॉस होता जाता है, यानी कि धीरे धीरे हमारी जो दिमाग की सेल्स हैं, ब्रेन की सेल होती है जिन्हें हम नर्व्स के नाम से जानते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं, डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, और वो वापस रिकवर भी नहीं हो पाती। तो जो पेशेंट होता है उसकी याददाश्त कम होती जाती है, और वो अपने डेली सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी कमी आती रहती है, और एक टाइम बाद वो धीरे धीरे सब कुछ भूलना शुरू कर देता है। तो ये होती है अल्जाइमर डिजीज। देखो, अभी तक तो वैसे अल्जाइमर डिजीज की कोई भी दवाई है वो डिस्कवर नहीं की गई है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि एक प्रॉपर कारण का ही नहीं पता चला है। भाई, जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि अल्जाइमर डिजीज होती क्यों है तो हम उसे रोक कैसे पाएंगे। पहले पता तो होना चाहिए ना कि इन कारणों से होती है ताकि उन कारणों को रोका जा सके। तो वैसे अभी तक अल्जाइमर डिजीज की बारे में मतलब कुछ भी ज़्यादा पता नहीं है कि कौन कारणों से होती है,
बट चाइना ने क्लेम किया है, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई कौन से डिजीज है, या फिर अल्जाइमर डिजीज के बारे में यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वेस्ट लैंड एटलस के बारे में। देखो इंडिया में कितना एरिया है वो खराब है, वेस्ट के तौर पे पड़ा है, उसको लेके एटलस है वो जारी किया जाता है। और अभी इसका 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है, वो जारी किया गया है। किसने जारी किया है? यह जो एडिशन है वो जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इसी के साथ ही नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, उन दोनों ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है, इन मिलकर इसको मतलब अंजाम है वो दिया है। इससे पहले भी 4 बार हमारे देश में वेस्ट लैंड को लेकर एटलस जारी किया गया है। 2000 में जारी किया गया था, 2005 में, 2010 और 2011 में, और अब 2011 के बाद में जो 5वां एडिशन है वो अभी 2019 में जारी है वो किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसने ये एडिशन जारी किया है, तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि किस सी मिनिस्ट्री ने इसको जारी है वो किया है। इससे पहले जो एडिशन था वो 2011 में जारी किया गया है, यानी कि वैसे कोई सिक्वेंस नहीं है कि लगातार जारी किया जाता है, हर 2 साल से 3 साल से जब मर्जी होती है तब ये जारी कर दिया जाता है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार जो एटलस जारी किया गया है वेस्टलैंड को लेके, इसमें जम्मू एंड कश्मीर के भी काफी सारे एरिया हैं, लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एक तरीके से वेस्ट के तौर पे है, मतलब उसका कोई भी यूटिलाइजेशन है वो नहीं किया जा रहा है। तो पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से को भी इसमें शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो ये ध्यान रखना है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, वो इसका डाटा है वो प्रोवाइड करवाता है कि रिमोट सेंसिंग के थ्रू कि भाई कौन कौन से एरिया वेस्ट लैंड के तौर पे पड़ा है, और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इस डाटा को रिलीज करती है। देखो एक छोटा सा फैक्ट है इसमें, खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप ध्यान रख लेना ताकि अगर यूपीएससी पूछ लेगी हमारे देश में वेस्ट लैंड एरिया है वो लगातार बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसमें फैक्ट ये दिया गया है कि 2000 अगर हम बात करें 8-9 के टाइम पे, तो उस टाइम हमारे देश में जितना ज्योग्राफिकल लैंड है उसका लगभग 17.21% लैंड है वो वेस्ट लैंड के तौर पर था, यानी कि लगभग 56.60 मिलियन हेक्टेयर जमीन थी वो हमारे देश में वेस्ट के तौर पे पड़ी थी 2008-09 के टाइम पे। इसके बाद में अगर हम बात करें 2015-16 के टाइम पे, तो जो वेस्ट लैंड का एरिया था वो कम हुआ है, वो कम होकर हो गया है 55.76 मिलियन हेक्टेयर, ये हम बात करें तो 16.96% जो एरिया है ज्योग्राफिकल वो आप बोल सकते हो कि वेस्ट लैंड के तौर पर था। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो वेस्ट लैंड एरिया था वो कम हुआ है 2008-09 से अगर हम बात करें 2015-16 के बीच में, यानी कितना एरिया कम हुआ है, लगभग 1.45 मिलियन हेक्टेयर वेस्टलैंड था वो नॉन वेस्टलैंड कैटेगरी में कन्वर्ट वो कर दिया गया है, या उस पर आप बोल सकते हो कि उसको सही जगह से यूटिलाइजेशन है वो शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है यहाँ पे वो है दनाकल डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन का देखो मतलब होता है अवसाद, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो डनाकल जगह है या डनाकल डिप्रेसेशन है ये समुद्र तल से भी काफी नीचा है, लगभग 100 मीटर के आसपास ये गहराई में है समुद्र तल से। है कहाँ पे ये है? देखो अफ्रीका के नॉर्थ वाले हिस्से में, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज आती है वहां पे, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मेनली कौन कौन सी कंट्रीज में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है एटिया, इथोपिया, जिबूटी और इधर सोमालिया, इन वाले हिस्सों में। देखो आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल जैसा, इसको बोला जाता है अफर ट्रायंगल। तो अफर ट्रायंगल का ही हिस्सा है जिसका नाम है डेनाकिल डेप्रिसिएशन। न्यूज में क्यों आया था वो हम बाद में देखेंगे, कुछ फैक्ट एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अफर ट्रायंगल कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में है, लोकेशन आप याद रख सकते हो, और इसी का हिस्सा है जिसका नाम है डेनाकिल डेप्रिसिएशन। अब देखो ये ट्राई जंक्शन एरिया हो गया है, ये आपको पता चल गया यहाँ पे कि एक ट्राई जंक्शन एरिया है वो बना हुआ है, इथोपिया भी शामिल है, एटिया भी है, जिबूटी भी है और सोमालिया का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे आता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो यहाँ पे दनाकिल डेप्रिसिएशन या हम बात करें जो अफर ट्रायंगल है, ये जो अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन वैली है ना, इसका एक हिस्सा है, अफ्रीकन जो ईस्ट वैली है इसका एक अहम पार्ट हो जाता है। तो ये यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, लोकेशन आपने यहाँ पे देख लिया कि डेड सी के पास में इस वाले हिस्से में। अब हम कुछ और फैक्ट की तरफ चलते हैं। न्यूज ये आई थी कि अभी साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी है वो रिसर्च है वो की गई थी, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो दनाकिल डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा है ना, इसमें कोई भी जीवन है वो संभव नहीं है किसी भी टाइप का नॉर्मल कंडीशन में, मतलब आम आदमी वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है वो अभी हम एक एक करके फैक्ट देखते हैं। देखो एक तो ये हिस्सा कुछ इस टाइप का है, आपको दिख रहा होगा ये जो आपको दिख रहा है ये है नमक, मतलब इस वाले हिस्से में क्या है कि नमक या खारा पानी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो पानी था वो वेपराइज होके उड़ गया और यहाँ पे सिर्फ नमक है वो रह गया है। तो आपको बताया कि जहाँ प्रॉपर प्योर नमक ही नमक हो और टेम्परेचर भी यहाँ पे काफी ज्यादा होता है,
इन्हें हम बोले तो वर्ल्ड का काफी हीटेड एरिया है, बहुत हॉटेस्ट एरिया के तौर पर भी इसको शामिल है, वो किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता है। दूसरा फैक्ट, एक रीजन ये भी है कि देखो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू होती है जितनी इंसान को चाहिए होती है वो भी काफी कम है, और इसी के साथ ही सोल्ट की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। तो भाई आदमी सर्वाइव कैसे करेगा? मतलब देखो जो एक थ्योरी होती है आपको पता होगा कि जहाँ पे जल है वहीं पे जीवन संभव होता है, बट ये थ्योरी यहाँ पे गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ जल भी है बट फिर भी जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफिक कंडीशन है वो काफी अगेंस्ट है। इसी के साथ ही ये जो नमक है इसमें मैग्नीशियम भी बहुतायत में पाया जाता है, और आपको तो बता दूं कि मैग्नीशियम है वो बॉडी को मतलब धीरे धीरे बॉडी सेल्स हैं इनको खत्म करता रहता है, बॉडी टिश्यूज को। तो मतलब यहाँ पे इंसान रह कैसे पाएगा? इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में किसी भी टाइप का जीवन है वो संभव नहीं है। इसी को लेकर साइंटिस्ट ने यहाँ पे मतलब स्टडी है वो जारी की है, रिसर्च, कि नॉर्मल कंडीशन में जो नेचुरल कंडीशन है इसमें यहाँ पे कोई भी इंसान सस्टेन नहीं कर सकता धनाकिल वाले एरिया में। दो रीजन मैंने आपको बताया कि दो बाधाएं हैं, एक तो है कि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और इसी के साथ ही मैंने आपको बताया कि सोल्ट बहुत ज्यादा है और पीएच वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए इंसान के लिए मतलब सुटेबल कंडीशन ये नहीं है। देखो बेरिन यहाँ पे वर्ड आया है, ब्राइन, ब्राइन का मतलब ये होता है कि वो हिस्सा जहाँ पे नमक मात्रा बहुत ज्यादा है वो पाई जाती है। जिस तरीके देखो आपको बताऊंगा चाशनी होती है, चाशनी में क्या होता है, मीठा होता है बहुत ज्यादा तो उससे बनती है चाशनी। उसी तरीके से मान लो कि मीठे की जगह अगर चीनी, वो सॉरी मीठे की जगह उसमें नमक हो उतनी क्वांटिटी में, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोला जाएगा ब्राइन। मतलब तो वो एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा नमक पाया जा रहा हो या नमक की मात्रा उस विलयन में बहुत ज्यादा हो उसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उसके नॉर्दर्न हिस्से में है, जो ईस्ट अफ्रीकन वैली भी जिसे हम बोलते हैं। इसी के साथ ही हाँ, एक छोटी सी लोकेशन पॉइंट ये देख लो कि देखो ये जो हिस्सा है ना आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है अफ्रीका में, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक तो ये रहा ईटा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बस एक बता रहा हूँ, एक यहाँ पे दिख रहा होगा नप्रो। तो ये तो यहाँ पे है एक्टिव वोल्केनो की सीरीज है, और इधर है ये धनाकिल डेप्रिसिएशन। तो मतलब इसकी लोकेशन आपको अपने आप याद हो जाएगी कि जो रेड सी है और धनाकिल डेप्रिसिएशन है इन दोनों को कौन अलग करता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो अफ्रीका के लाइव लाइव जो वोल्केनो है एक्टिव वो इसको अलग है, दोनों को सेपरेट है वो करते हैं। तो यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है, ये यहाँ पे अफ्रीका के एक इम्पोर्टेंट लेक है, इसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। चलो आप ये बताइए कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मैंने आपको बता दूं कि चार कंट्रीज आती हैं, और कौन कौन सी आती हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी हमने जो सारे फैक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि जो डेनाकिल डिप्रेशन है वो सी लेवल से भी 100 मीटर नीचे है, मतलब कि काफी गहराई में है, तो यहाँ पे जीवन है वो संभव नहीं क्योंकि कंडीशन सुटेबल नहीं है इंसान के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है बिम्सटेक के बारे में। न्यूज ये आई है कि अभी बिम्सटेक का जो पोर्ट कॉन्क्लेव था वो इंडिया के विशाखापट्टनम में आयोजित है वो किया गया है, और पहली बार ऐसा हुआ है। अब क्या हुआ है बिम्सटेक पोर्ट कॉन्क्लेव में, मतलब कि पोर्ट से हम बात करें सी रूट को लेकर यहाँ पे डिस्कशन है वो की गई है, कि हमारे देश में इकोनॉमिक कोऑपरेशन है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, कोस्टल एरिया से शिपिंग को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड है इसको हम बढ़ा सकते हैं, और उसमें पोर्ट्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इसी के साथ ही कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और जो सेफ्टी है पोर्ट्स वगैरह की उसको हम इम्प्रूव कर सकें, इन चीज़ों पर यहाँ पे डिस्कशन है वो की गई है। अब हम थोड़ा सा बिम्सटेक के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बिम्सटेक एक रीजनल ग्रुप है, स्टार्टिंग में इसमें 5 कंट्री शामिल थी और अब इसमें 7 कंट्रीज हैं वो यहाँ शामिल हो चुके हैं। अभी कौन कौन से मेंबर इसके कंट्री, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। तो ये आपको ध्यान रखना कि 7 कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर है, स्टार्टिंग में 5 थी, और सबसे लेटेस्ट जो कंट्री मेंबर बनी है वो 2004 में बनी थी नेपाल। तो ये आप ध्यान रखना कि सबसे लास्ट में जो कंट्री भी मेंबर बनी है वो नेपाल बना है 2004 में। और इम्पोर्टेंट और अगर फैक्ट की बात करें तो बिम्सटेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि आपस में सपोर्ट है, कोऑर्डिनेशन है वो प्रोवाइड कराने के लिए इस ग्रुप का निर्माण किया गया है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। देखो बे ऑफ बंगाल है ना वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी गल्फ है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बे है यानी कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो इसके आसपास की जो कंट्रीज है ना इनके पास काफी तो रिसोर्सेज हैं और काफी ज्यादा ह्यूमन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं, और इम्पोर्टेंट ट्रेड है वो इसी रास्ते से होता है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की जितनी जीडीपी है इसका लगभग 2 पॉइंट जो वर्ल्ड वर्ल्ड की जितनी जीडीपी है इसकी लगभग 22% तो पॉपुलेशन ने कवर करते हैं।
ऐसे फैक्ट आपको याद नहीं रखने हैं कि 22% पॉपुलेशन है वो हिस्सा कवर कर रहा है, बट अगर आपको एक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हम 5-6 पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक आधा पॉइंट भी अगर आप आंसर राइटिंग में लिख देते हो तो एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए इनफ है। इसी के साथ ही जो ये बिम्स्टेक कंट्रीज हैं इनकी जो जीडीपी है वो हम यहाँ पे देखें वो है 2.7 ट्रिलियन के आसपास डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, और बाकी कौन कौन से एरिया में मतलब यहाँ पे आपस में कोऑपरेशन की बात की गई है वो हम देख लेते हैं। देखो जैसे ट्रेड में आपस में कोऑपरेशन करेंगे, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशर्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, इन्वायरमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट और इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज। देखो मेनली जो ग्रुप बने हुए होते हैं ना, जो भी ग्रुप्स होते हैं, इनका ऑलमोस्ट एक ही मोटो होता है कि रीजनल आपस में कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ानी है, मैन तो घुमा फिरा के ही होते हैं। तो कुछ तो बेसिक पॉइंट होते हैं, जैसे कोई भी ग्रुप आ जाए तो उसके बारे में आप कुछ पॉइंट तो बेसिक के तौर पर लिख सकते हो। बस कुछ कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी काम के लिए बनाए जाते हैं कि उनका सिर्फ एक ही काम हो, उसी के लिए फोकस करते हैं। अब जो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और तो कुछ फैक्ट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने कवर कर लिए। हाँ, बना कब था बिम्स्टेक है, वो बना था 1997 में, ये आपको ध्यान रखना है, 6 जून 1997 को ये बना था। अब देखो इसने यूपीएससी कई बार कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछती है, जैसे आपको पता होगा कि जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं या साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उसमें 8-9 कंट्रीज आती हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो बिम्स्टेक के मेंबर हैं या नहीं, यूपीएससी ऐसे पूछ लेती है। जैसे कि आपको बताया कि साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान उसका मेंबर है, बट पाकिस्तान वो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, तो यूपीएससी ऐसे पूछ लेती है कि ये मेंबर है ये नहीं है। तो जो रीजनल ग्रुप्स हैं, यहाँ बात करें हमारे इंडिया जिनका मेंबर है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन से का मेंबर कौन है, कौन से का मेंबर कौन नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी कई बार पूछ लेती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल यहाँ पे आया है वो आया है यहाँ पे थिरुवल्लुवर के बारे में, तो हम देख लेते हैं क्या है थिरुवल्लुवर के बारे में फैक्ट। देखो ये जो थिरुवल्लुवर है ये साउथ के एक प्रसिद्ध पोइट या कवि थे, और इनकी जो हम बात करें फिलोसफी के एरिया में काफी बड़ा योगदान था, इवन जो तमिल साहित्य है इसमें भी इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहा है। तो अभी कुछ कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट हो गई थी तो ये मामला न्यूज में आया था, तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि थिरुवल्लुवर के बारे में। इनका देखो दूसरा नाम है वो है वल्लूर के नाम से भी इनको जाना है वो जाता है, और ये हम बात करें तो पॉलिटिकल एरिया में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, एथिक्स के एरिया में भी, इकोनॉमिक मैटर्स, लव, इन में एरिया में इन्होंने काफ़ी सारी पोइट्स कविताएं वगैरह है वो लिखी थी, और संगम साहित्य है जो साउथ का उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है वो रहा है। ऐसा माना जाता है कि इनको जो लाइफ काल था, जीवन काल था, वो 4th जो सेंचुरी BC था उससे लेके 5th सेंचुरी BC के बीच में था, तो इनका उल्लेख वगैरह किया गया है। तो छोटा सा 2-4 फैक्ट हैं, यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है साला दर्पण पोर्टल के बारे में। न्यूज ये आई है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ जो HRD है उन्होंने अभी साला दर्पण पोर्टल को लॉन्च है वो किया है। क्या है यह पोर्टल, किस लिए काम करेगा वो देखते हैं। देखो यह जो पोर्टल है ना वो ई गवर्नेंस है स्कूल सिस्टम को उसके लिए बनाया गया है, यानी हमारे देश में स्कूल्स में टीचर्स को क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकते हैं, जैसे कि उन्हें कहीं अपना ट्रांसफर कराना हो, कहाँ पे सीटें खाली हैं, कहाँ पे वो सुटेबल जगह ट्रांसफर चाहते हो, या फिर उनको और भी कोई तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह हो, स्टडी रिलेटेड हो, मैनेजमेंट संबंधित कोई भी इश्यूज हो, उनको लेके पोर्टल है वो बनाया गया है ताकि एक अच्छी एजुकेशन क्वालिटी है वो टीचर्स प्रोवाइड करवा सकें। न्यूज अभी ये आई थी ना कि इसको पोर्टल को ओपन कर दिया गया है, और जो नवोदय विद्यालय समिति है न्यू दिल्ली वहां से इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। तो यह एक तरह का एक एंड टू एंड गवर्नेंस स्कूल ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि स्कूल जो टीचर्स हैं उनको हम बात करेंगे सरकार से कनेक्ट करेगा, आपस में कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की जाएगी ताकि उनके इश्यूज हैं, टीचर्स के जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन है वो उचित प्रोवाइड करवाया जा सके। और इसके लिए डाटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया है जो क्या काम करेगा, जितनी भी डाटा है गवर्नमेंट स्कूल वगैरह के, एजुकेशन ऑफिस के, सारे डाटा को ऑनलाइन रखेंगे और आपको उनको आगे शेयर है वो किया जाएगा ताकि जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सभी को मिल सके। तो ये है साला दर्पण पोर्टल। ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।